जी तो बच्चों, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? लो जी, आज एक्सरसाइज 1.2 है और ये हम करने लगे हैं। तो इसके लिए इसके देखें, इससे पहले जो है आपको फार्मूले इसके आने चाहिए। सो फार्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है, अलजेब्रिक फार्मूले। वो मैंने एक वीडियो बनाई है, ऊपर मैं लिंक बता दूंगा। तो ये ऊपर लिंक या नीचे भी मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक लिख दी है, वहाँ से आप देख लें। तो वो वीडियो ज़रूर देखनी है, वहाँ से फार्मूले आपको समझ आएंगे और वो आपने याद करने हैं। वो फार्मूले यहाँ पे इन सवालों में अप्लाई हो रहे हैं। सो देखें, पहला सवाल है, इसमें देखें एक्स प्लस टू वाई दो रकमें हैं, उनका मुरब्बा है, फिर वही दो रकमें हैं, उनका मुरब्बा स्क्वेयर है लेकिन माइनस है बीच में। उर्दू में मुरब्बा और इंग्लिश में हम इसको स्क्वेयर कहते हैं। मैं दोनों को मिक्स कर रहा हूँ, उर्दू इंग्लिश को। इसको हम एक्सपेंड कराएंगे, खोलेंगे फार्मूला। तो पहली रकम का मुरब्बा दूसरी रकम का मुरब्बा जमा दो इंटू पहली रकम और इंटू दूसरी रकम, जिस तरह से मैंने उस वीडियो में कहा है कि फार्मूला याद कैसे करना है। अच्छा जी, इसी तरह दूसरी जो है एक्स का स्क्वेयर, वही पहली रकम का मुरब्बा दूसरी का स्क्वेयर माइनस टू इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म। अच्छा जी, अब आपने इनके मुरब्बे खोलने हैं। एक्स का स्क्वेयर एक्स ही होता है, टू का स्क्वेयर फोर हो जाएगा और वाई का स्क्वेयर वाई हो गया। इन्होंने ज़रब खानी है, टू टू ज़ार फोर, फोर एक्स वाई, वो ज़रब खा लेंगे। इसी तरह ये भी उसी तरह एक्स स्क्र फोर वाई स्क्र, वही चीज़ें बननी है। लेकिन ज़ाहिर है यहाँ प्लस आया, यहाँ माइनस आ गया। तो यही प्लस माइनस जो है ये रकमें इन्होंने कट जाने आपस में, तो ये कट जाएंगी। बाकी देखें एक्स स्क्र और एक्स स्क्र, ये टू एक्स स्क्र और फोर वाई स्क्र और फोर वाई स्क्र मिल के एट वाई स्क्र हो जाएगा। तो ये इसका आंसर आ जाना है। क्वेश्चन नंबर टू जो है ये देख लें, उसी तरह से फार्मूला, वही सवाल है। दो रकमें हैं, उनका स्केयर है, वही दो रकमें हैं, उनका स्केयर है, यहाँ नेगेटिव है, वहाँ पे पॉजिटिव है। तो उसी तरह से आपने इनको एक्सपेंड कर लेना है। फर्स्ट टर्म का स्केयर, सेकंड का स्केयर प्लस टू इंटू फर्स्ट इंटू सेकेंड। इसी तरह से फर्स्ट का स्केयर, सेकंड का स्केयर माइनस टू इंटू फर्स्ट एंड सेकेंड। तो यहाँ पर माइनस आ गया। तो उसी तरह से फाइव का स्केयर 25, ठीक है जी, 25 एक्स स्केयर। थ्री का स्केयर 9 हो जाएगा, 9 वाई स्केयर। टू फाइव ज़ार 10, 10 थ्री ज़ार 30, 30 आ जाएगा, ठीक है जी, और साथ एक्स वाई आ गया। इसी तरह यही तीनों रकमें आगे आनी है, लेकिन यहाँ प्लस का 30 है, यहाँ पे माइनस का 30 है। तो प्लस का 30 और माइनस का 30 ही रकमें कट जानी है, और 25 और 25 मिलकर ये 50 हो गया, 9 और 9 मिलकर 18 हो जाएगा। तो देखें ये बिल्कुल पहला और दूसरा सवाल बिल्कुल एक जैसे है। अच्छा जी, अगला क्वेश्चन मैं लाता हूँ जी, क्वेश्चन नंबर थ्री देखें। ये आ गया सामने, ये क्वेश्चन नंबर थ्री आ गया। सो इसमें भी स्केयर्स हैं, ठीक है जी, इधर भी स्केयर, इधर भी स्केयर, लेकिन माइनस है बीच में। अब वो जो तीसरा फार्मूला, उसमें मैंने लिखा हुआ था कि जब दो स्केयर्स को, ये देखें ये फार्मूला भी मैंने लिख दिया है कि दो सेम सेम स्केयर हों, प्लस के और माइनस के, और बीच में वो माइनस हो रहे हों, तो फोर ए भी आता है। ये फार्मूला इसे हमें याद किया हुआ होना चाहिए, अगेन उस वीडियो में ये मौजूद है, सो उसको देखें ज़रूर। सो फोर ए बी, ये इसका आंसर है। जब आपको पता चल गया कि ये जो हमारा सवाल है वो बिल्कुल इसी फार्मूले की तरह का है, तो उस फार्मूले का जो आंसर है वो आप उस सवाल पे अप्लाई करा सकते हैं। तो फोर लिखें ए, ए का मतलब होती है फर्स्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म पहली रकम उसकी तीन एल, तीन एल है, तो वो देखें ए की जगह पे आप वो लगा लें। बी की जगह पे दो एम है, दो एम लगा दें बी की जगह पर। तो इनको जस्ट आपने ज़रब दे लेनी है, ठीक है। तो फोर थ्री ज़ार 12 और 12 टू ज़ार 24 और सात और एल और एम। तो देखें इतने आसानी के साथ ये आंसर आ जाता है। क्वेश्चन नंबर फोर, इसमें देखें एल प्लस एम, एल माइनस एम, एल स्क्र प्लस एम स्क्र, एल फोर प्लस एम फोर। तो यहाँ देखें इन दो के ऊपर फार्मूला लग रहा है, एक दफ़ा जमा में, एक दफ़ा नफ़ी में। ये वो वाला फार्मूला है कि इनको हम स्केयर्स की शक्ल में, ए स्क्र माइनस बी स्क्र, ठीक है, पहली रकम का मुरब्बा माइनस दूसरी का मुरब्बा, उर्दू में हम इसको ऐसे कहते हैं। तो इन दोनों के ऊपर ये अप्लाई हो जाएगा। तो इसको सीधा कर लें, बाकियों को वैसे ही लिखते जाएँ साथ। अब देखें ये दोनों एक जैसी हो गई हैं, एल स्केयर एल स्केयर एम स्केयर एम स्केयर, इसमें माइनस इसमें प्लस। तो इस पर फिर फार्मूला, पहली रकम का स्केयर दूसरी का स्केयर, क्योंकि अब पहली एल स्केयर है, एम स्केयर है, तो उसके ऊपर स्केयर। तो वो जब आप स्केयर लेंगे, सॉरी ये मैंने ऊपर किया, सो इनके जब आप स्केयर्स लेंगे तो वो फोर फोर पावर हो जाएगी। तो फोर फोर पावर हो गई, ठीक है। तो इसी तरह फिर अब ये और ये अमाउंट एक जैसी है, ठीक है। तो ये दोनों जब आपस में मल्टीप्लाई होना है, इस पर फिर वही फार्मूला, फर्स्ट टर्म का स्केयर सेकंड का स्केयर, तो फोर टू ज़ार एट एट हो जाएगा। तो ये तीन दफ़ा एक जैसा फार्मूला जो है वो लग रहा है इनके ऊपर। तो ये क्वेश्चन नंबर फोर था। क्वेश्चन नंबर फाइव, आप देखें इसमें क्यूब है, तो क्यूब का फार्मूला, मकाब का फार्मूला आना चाहिए। तो इसका फार्मूला ये था कि फर्स्ट टर्म का क्यूब लें,
अब चूंकि माइनस है ना, तो मैंने वहां बताया उस वीडियो में, हर जगह आपने माइनस माइनस लगाना है, ठीक है। सो ये सेकंड टर्म है, सेकंड टर्म का क्यूब आ गया, माइनस थ्री इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म, और फिर वो जो फर्स्ट और सेकेंड दोनों आती है माइनस के साथ, जो भी यहाँ पे ये शेप बनी हुई है वही दोबारा यहाँ आती है। तो जब आपने ऐसे फार्मूला एक्सपेंड कर लिया, लिख लिया इसको आपने, आपने तीन तीन, अब चूंकि ए और बी हैं तो उनके ऊपर अलग अलग दे दें, ए की तीन बी की तीन, इसी तरह वन ओवर वन का जो मर्जी पावर लें वन ही रहना, सो ए की तीन बी की तीन वो लिख लें। अब यहाँ देखें बड़ी इंपॉर्टेंट बात, ए बी और ए बी कट जाना है इन्होंने, ये नीचे है वो ऊपर है, सेम सेम है, कट गए, थ्री रह गया, तो थ्री रह गया और अंदर वाली ये रकम रह गई। और अगले स्टेप में हमने क्या करना है जी, अगले स्टेप में हमने इनको ज़रब दिला देनी है, तो माइनस तीन जब इससे ज़रब खाएगा तो माइनस तीन ए बी, और माइनस तीन जब इधर आना है तो माइनस माइनस ये वाला प्लस हो जाना है, तो थ्री वन जर थ्री ओवर ए बी, ठीक है जी। सो इस तरह से तो क्यूब का फार्मूला, अब देखें हर सवाल में फार्मूले लग रहे हैं, तो फार्मूले बहुत अहम हैं, ठीक है जी। अब क्वेश्चन नंबर सिक्स पे आ जाए, तो इसमें तीन रकमें हैं, तीन अमाउंट्स हैं, 2x प्लस 3y प्लस 2 और सारे का स्क्वायर मुरब्बा, तो यहाँ पे भी वही मुरब्बा लेना है, तीन वाला फार्मूला आता हो, पहली रकम का मुरब्बा, दूसरी रकम का मुरब्बा प्लस तीसरी का मुरब्बा या उनका स्क्वायर। अब आगे क्या होता है, प्लस 2 इंटू पहली दोनों रकमें 2x और 3y, फिर पहली के साथ तीसरी को लगाएं, यानी पहली के साथ इसको, पहली के साथ फिर इसको, वो आपके ये बन जाएंगे, ठीक है। और जो लास्ट वाला है, चूंकि आप पहली के साथ दोनों लगा चुके हैं, आप दूसरी के साथ इसको लगाएं, ठीक है, 3y/2, तो लास्ट पे 3y/2 आ जाएगा, ये 3y/2 आ गया, ठीक है जी। तो इसको जस्ट हम एक्सपेंड कर लेंगे, तो 2 का स्केयर लें 4 हो गया, एक्स का स्केयर वैसे ही 3 का स्केयर 9, 2 का स्केयर लें 4। अब ये तीनों रकमें ज़रब खा रही हैं, मल्टीप्लाई होनी है, 2 2 4 4 3 12, तो 12 लिखा, साथ एक्स वाई लिख दिया, 2 2 4 4 2 8 और साथ ये हाली एक्स है, और इसी तरह 2 3 6 और 6 2 12 12 y आ गया। तो देखें तीन स्टेप के अंदर आपका क्वेश्चन नंबर सिक्स होता है, तो ये शॉर्ट्स में भी बन सकता है, ठीक है जी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेवन पे आ जाए, सो क्वेश्चन नंबर सेवन में भी क्यूब है, ठीक है जी। तो फर्स्ट टर्म का क्यूब, सेकंड टर्म का क्यूब प्लस 3 इंटू फर्स्ट इंटू सेकेंड, फिर वही अंदर दोनों वही सारी चीज़ एज इट इज़ आ गई। तो ये फार्मूला अभी हमने पीछे सीखा है, तो एग्जैक्टली वैसे ही हो जाना है, इसके फार्मूला हम करते जाएं, इससे मल्टीप्लाई करें 3 2 6 पी क्यू और अंदर वाली अमाउंट, और फिर इसने फिर अंदर वाली से 6 2 12 और पी और पी मिल के पी स्केयर और क्यू, और इसी तरह ये इसके साथ। तो ये अभी पीछा भी हमने देखा था, 6 और 7 बिल्कुल एक जैसे हैं। इसी तरह 8 वाला क्वेश्चन भी आई थिंक जो पीछे वाला हमारा, हाँ 6 वाला क्वेश्चन था उसकी तरह का। सो इसके भी स्केयर लेना, होल क्यूब स्केयर है उसका, सो फर्स्ट का स्केयर, सेकंड का स्केयर, थर्ड का स्केयर प्लस 2 इंटू फर्स्ट और सेकंड, 2 इंटू फर्स्ट और थर्ड, 2 इंटू सेकंड एंड थर्ड। तो ये जैसे मैंने बताया, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, फिर इसको इसके साथ, वो आप कॉम्बिनेशन बनाएं और इसको भी खोल दें, तो ये वैसा ही क्वेश्चन है, उसी तरह से हो रहा है, ठीक है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाए, सो 9 में क्यूब है दो रकमों का, बिल्कुल वही चीज़ है, जस्ट स्टेप देख लें, फर्स्ट का क्यूब, सेकंड का क्यूब प्लस 3 इंटू फर्स्ट और सेकंड और फिर फर्स्ट और सेकंड, वही अमाउंट्स, और इनका क्यूब ले लेना है, ठीक है। 2 का क्यूब 8 होता है, 3 का 27 हो गया, 3 दूनी 6 6 3 बार 18 हो जाएगा, 18xy, ज़रबें देनी है और अंदर वाली को एज इट इज़ पहले रख लिया करें, और अगली दफ़ा जो है इसको फिर आप ज़रब दिला दें। ये स्टेप मैंने 2 दफ़ा लिख दिया, तो ये स्टेप ना करें, क्योंकि ये मैंने एक्स्ट्रा लिख दिया बीच में स्टेप, ठीक है जी। तो ये इसको 8x² इसको लिखा, इसको लिखा, 18 2s are 36 हो जाएगा, ठीक है, x और x x² और साथ y, और 18 जब इससे ज़रब होनी है 54xy², और लास्ट वाला 10 वाला आज का क्वेश्चन। सो आज इसमें हम कोशिश कर रहे हैं 10 मिनटों में 10 सवाल, लो जी आखिरी मिनट में आखिरी सवाल। सो एक्स प्लस वाई का क्यूब बना हुआ है माइनस वन है, तो इसका क्यूब बना हुआ है तो वन का क्यूब भी बना लें, वन की जो मर्जी पावर रखें वो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे क्यूब वाला फार्मूला लग जाएगा, ए की तीन माइनस बी की तीन वाला फार्मूला। सो उसमें क्या होता है, ए माइनस बी पहले हम लिखते हैं, फिर जो ए रकम होती है उसका स्केयर माइनस ए इंटू बी, तो ए और बी, और फिर प्लस बी का स्केयर, बी का स्केयर। तो ये फार्मूला पहले देखें साथ जरूर, फिर इसको हल करें। सो ये एज इट इज़ आ गया, अब इसका हमें स्केयर खोलना है, तो ए की 2 बी की 2 2 ए बी, वो वाला फार्मूला, 1 से ये ज़रब खा रहा है तो वो कोई फ़र्क नहीं पड़ना, वही रहना एक्स और वाई, और चूंकि बाहर माइनस है
तो वो माइनस इन दोनों की अलामतें तब्दील कर देगा और वन का स्केयर वन होगा। तो इसको सीधा करके हमने लिख दिया। सो लो जी, ये है जी आज का काम। ठीक है जी, खुश रहें, अल्लाह ताला आपको खुश रखे, और काम करें, प्रैक्टिस करें इसकी। ठीक है जी, और वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़।